सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैकअप लेना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो हमने अक्सर लाइफ में काफ़ी कुछ काम किया होगा एंड आफ्टर दैट कभी कंप्यूटर में हो सकता है वायरस लग गया या कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ हो गया, कंप्यूटर जल गया या लैपटॉप जल गया, या उसके अलावा और भी कभी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण या तो आपका डेटा लॉस हो गया या फिर ऐसा हो गया कि बहुत लंबे समय के लिए आप उस डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ। वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे, उसका भी एक एग्जांपल। तो चलिए इस वीडियो को समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं जो कि मेरे साथ ही हुआ है पर्सनली। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीगेट की ड्राइव। एक्चुअली मेरे पास पहले सीगेट की ये वाली ड्राइव थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली वारंटी रिप्लेसमेंट ड्राइव है। ऐसी एक दिखने वाली दूसरी ड्राइव थी जो कि ख़राब हो गई थी। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने बैकअप नहीं लिया था, इसीलिए अब सीगेट वालों ने डेटा तो रिकवर कर दिया लेकिन कितना, 1-2 महीने तक टाइम लग गया और तब तक मैं उस डेटा को यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली एक दूसरा इंसिडेंट जो आपको पता होगा कि ये जो पीछे आप पीसी देख रहे हैं मेरा, तो ये भी मैंने बनाया था एंड मैंने वही सोचा कि इसमें तो वायरस नहीं लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि SSD तो ख़राब कभी होती नहीं है एंड हार्ड ड्राइव की तरह, तो क्या ज़रूरत है बैकअप लेने का। बट हुआ क्या कि इसका पावर सप्लाई जल गया एंड डेटा वहीं पर था पर मैं उसे 1-2 महीने तक यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए बैकअप लेना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैं आप हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि जो भी किसी भी टाइप का प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो कुछ भी काम करते हैं उसका हमेशा काम करके उठते समय एक बैकअप जरूर ले लें। क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो फिर बाद में अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है कि क्या होने वाला है। सपोज़ आग लग गई, कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई जिसके कारण आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो गया या कुछ हो गया और क्लाइंट या आपका बॉस आपसे कह रहा है कि 2 दिन के अंदर ये काम ख़त्म चाहिए मुझे एंड काम आपने 90% ख़त्म कर लिया था, लेकिन सिर्फ बैकअप नहीं लेने के कारण आपकी सारी मेहनत चली गई और दोबारा से आपको करना पड़ेगा और हो सकता है आप कर भी नहीं पाए टाइम के अंदर वो काम। इसीलिए बैकअप लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये बात मैं हर किसी को कहूँगा कि आप किसी भी टाइप का प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो बैकअप ज़रूर लें, क्योंकि एक बैकअप अगर आप यहाँ पर ले लेंगे अपनी कोई भी एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी आपका डेटा लॉस होता है या कुछ भी होता है तो आप साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर उस बैकअप का इस्तेमाल करके किसी दूसरे कंप्यूटर में या किसी दूसरे लैपटॉप में कहीं पर भी जाकर अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर फिर भी कमेंट्स में कुछ लिखना है, कुछ प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रोन डोनेट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रोन वैलेट का एड्रेस दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नमस्ते।